हे hey गाइस समस्ते कैम छो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी डी व्लॉग्स तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा थार के बारे में जो कि सेकेंड अक्टूबर मतलब कि गांधी जयंती के दिन कंपनी ने लॉन्च की थी ये कार को तो सबसे पहले मैं आपको कार का वॉक अराउंड रिव्यू दे देता हूँ बाद में हम लोग एक एक चीज़ के बारे में आज बात करने वाले डिटेल पूरा वीडियो है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों अगर हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार के प्राइजिंग के बारे में तो प्राइजिंग इसका नौ लाख अस्सी हज़ार से लेके कर तेरह लाख पचहत्तर हज़ार तक का है मतलब कि ये एक्स शोरूम प्राइस है तो अगर हम लोग ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ग्यारह लाख दस हज़ार से लेके 15 पंद्रह लाख पचास हज़ार तक का आपको इसका ऑन रोड प्राइसिंग हो जाएगा तो कार का प्राइजिंग काफ़ी ज़्यादा एट्रेक्टिव यहाँ पर कंपनी ने रखा है तो आप देख सकते हो कि कार का डिज़ाइन पूरा का पूरा बदल दिया गया है कार का लेंथ वीट और हाइट सब कुछ यहाँ पे चेंज हो गया है तो आप थार को एक बेबी रेंगलर भी बोल सकते हो रोड प्रेजेंस इस कार का बहुत ही ज्यादा अच्छा बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने को मिल रहा तो अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ तो आपको इसमें तीन मॉडल अवेलेबल है ए एक्स ए एक्स ऑप्शनल और एलेक्स जो एलेक्स मॉडल है वो हमारा टॉप एंड मॉडल है तो ये आप जो देख रहे हो वो हमारा एलेक्स टॉप एंड वाला मॉडल है ये डीजल वेरिएंट वाला मॉडल है महिंद्रा थार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है तो अगर हम बात करते हैं कार के इंजन की तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही नीट एंड क्लीन इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो भी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक वगैरह जो भी केबल्स वगैरह जो भी यूज़ किया गया है वो बहुत ही परफेक्ट है तो अगर मैं इंजन के पावर आउटपुट की अगर हम बात करें तो आपको महिंद्रा थार पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है तो सबसे पहले बात करते हैं कार के पेट्रोल इंजन के बारे में तो आपको इसमें फ़ोर सिलेंडर टू पॉइंट जीरो लीटर का टर्बो चार्ज इंजिन मिलने वाला है तो अगर मैं टर्बोचार्ज इंजन के पावर आउटपुट की बात करूँ तो मैक्सिमम पावर आपको इसमें वन फिफ्टी पी का मिलेगा और मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें 300 न्यूटन मीटर का मिलेगा वो मैनुअल ट्रांसमिशन में और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हो तो आपको उसमें 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा तो अगर मैं कार के डीजल इंजन की बात करूं तो उसमें आपको फोर सिलेंडर 2.2 लीटर का एम हॉक इंजिन जो कि महिंद्रा की, की हर एक कार में आपको देखने को मिल रहा है उसी तरह का आपको इसमें देखने को मिलेगा तो उसके पावर आउटपुट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पावर आपको इसमें 130 हंड्रेड पी का मिलेगा और मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें थ्री न्यूटन मीटर का मिलेगा तो टॉर्क आउटपुट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट लुक की तो फ्रंट लुक कार का बहुत ही ज़्यादा आई कैची बहुत ही ज़्यादा माचो लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है पहली नज़र से देखोगे तो आप इसको बेबी रेंगलर ही बोलोगे कि ये रेंगलर का छोटा वर्ज़न है तो अगर आप पुरानी थार से ये थार को कंपेयर करोगे तो आपको ये थार में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे इंटीरियर में एक्सटीरियर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रंट पे ग्रिल पे थार का बेंच दिया हुआ है और यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल ये थोड़ा बेटर डिज़ाइन हो सकता था लेकिन ये भी परफेक्ट है और यहाँ पे ऊपर आपको महिंद्रा का बेंचमार्क देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका फ्रंट हेड है, है कि हेलोजन हेड और यहाँ पे उसके साइड में आपको टर्न इंडिकेशन और एलईडी ई भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे नीचे बम्पर में भी आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है तो यहाँ पर फ्रंट ग्लास और साथ में वाइपर्स और यहाँ पे नीचे साइड में भी आपको टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे एम हॉक का बेंचमार्क भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे एम हॉक वन लिखा है मतलब कि ये डीजल कार है अगर आप ये पेट्रोल कार होती तो एम स्टेलन लिखा होता है तो उसी तरह से आप कार को बाइफरग्रेड कर सकते हो कि ये पेट्रोल है या फिर डीजल कार है और साथ में यहाँ पे एंटीना और आपको ग्लास पे थार का बेंचमार्क भी देखने को मिलेगा तो यहाँ साइड से देखते हुए कार को तो कार का लुक बहुत ही ज़्यादा आई के एच बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट डिज़ाइन लग रहा है मुझे तो ये कार का डिज़ाइन जो पुरानी थार थी उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है और साथ में कार का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो टू टू सिक्स मतलब टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस है तो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पे अगर मैं टायर साइज़ की अगर बात करूँ तो 255 फिफ्टी फाइव बाई सिक्सटी मतलब कि 18 इंच के एलो व्हील्स आपको इस मॉडल में देखने को मिलेंगे ये हमारा टॉप एंड मॉडल है तो उसमें आपको एलोए व्हील्स कंपनी ऑफ़र करेगी तो अगर आप बेसिक मॉडल में जाते हो तो उसमें आपको व्हील्स नहीं मिलेंगे उसमें आपको स्टील टायर मिलेंगे और साथ में उसमें टायर का साइज भी सिक्सटीन इंच का ही है तो उसमें आपको थोड़ा छोटा व्हील मिलेगा तो यहाँ बैक से देखते हुए कार को तो कार बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही है और यहाँ पे आप टेल लेम्प्स तो यहाँ पे कुछ भी आपको एलईडी नहीं मिलने वाला है ये बल्ब टाइप टेल लेम्प्स है और टेल लेम्प्स के अंदर भी आपको थार का बेंचमार्क देखने को मिल रहा है तो बहुत ही परफेक्ट लग रहा है तो यहाँ पे नीचे बम्पर्स में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलेंगे इस कार में और यहाँ पर नीचे ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप देख सकते हो तो यहाँ पे पीछे का डोर्स वगैरह ओपन करने का कुछ सिस्टम ऐसे अलग से है दो पार्ट में है पहले हमारा ये जो मेटालिक पार्ट वाला जो डोर है वो ओपन हो जाएगा बाद में आप ये ग्लास वाला पार्ट है उसको ओपन कर सकते हो ये पूरा हाइड्रोलिक है और यहाँ पे बूट स्पेस वगैरह आपको ज़रा भी नहीं मिलने वाली है और कुछ इस तरह से पीछे से कार का लुक लग रहा है ये हमारा फोर सीटर वाला वेरिएंट है तो आपको इसमें एक और वेरियंट से जो सिक्स सीटर में आता है तो यहाँ पे इस कार में आपको बूट स्पेस जरा सा भी नहीं मिलेगा आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप अपने टूल्स वगैरह ही रख सकते हो और कुछ ज़्यादा यहाँ पे रख नहीं सकते हो लेकिन अगर आपको ये सीट्स वगैरह का ज़रूरत नहीं है तो आप यहीं से पीछे से उसको इंक्लाइन करके पूरा फोल्ड भी कर सकते हो तो आपका बूट स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जैसे हमने ओपन किया था पहले हमारा दो पार्ट में ये डिक्की ओपन होता है मतलब कि पहला हमारा जो ये मेटालिक पार्ट वाला डोर है वो ओपन हो जाएगा और बाद में हमारे ये ग्लास सेक्शन ओपन हो जाएगा तो उसी तरह से क्लोज करने के लिए भी आपको पहले ग्लास सेक्शन बंद करने का फिर आपको ये हमारा डोर बंद करने का तो पूरा लॉक एंड की वाला ऑप्शन हो जाएगा आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है जो हमारी पुरानी थार आती थी उसमें थोड़ा ये जो पीछे का पार्ट आता था वो ग्लास वगैरह का नहीं मिल रहा था हमको तो थोड़ा सेफ्टी वगैरह का इश्यू रहता था लेकिन इस कार में आपको वैसा कुछ नहीं रहेगा परफेक्ट ये तो चलिए चलते हैं कार के अंदर तो सबसे पहले हम जाएंगे बैक रो में तो बैक रो का जाने का रास्ता आप यहीं से जा सकते हो आप जो को ड्राइवर साइड जो सीट्स है उसको आप यहीं से फोल्ड कर सकते हो और यहाँ से ही आप अंदर जा सकते हो दूसरा और कोई रास्ता है नहीं ये फोर बाई फोर है हमारा इसके लिए और कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सीटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छा है सीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे सीट्स वगैरह यूज़ किया गया है कुशनिंग भी बहुत ही अच्छा है लेग रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हेड रूम तो उससे भी अच्छा है और यहाँ पे जो ऊपर की आप देख रहे हो हार्ड मटीरियल का पूरा जो हमारा रूफ है पूरा वो हार्ड मटीरियल से है और वहाँ पर ही स्पीकरस वगैरह भी दे रखा है तो जो पूरा इंटीरियर का डिज़ाइन है उसमें भी आपको थोड़ा रेंगुलर का टचअप देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे जो पीछे का सीट्स है वो 50-50 सीट्स है जो आप रिक्लाइन भी थोड़ा बहुत कर सकते हो तो ये हमारा पीछे का सीट्स है उसमें भी आपको एडजस्टेबल हेड के साथ मिलने वाला है तो बहुत ही कम्फर्टेबल है जो पीछे का जो कंपार्टमेंट है वो बहुत ही कम्फर्टेबल है तो आप देख सकते हो कि इंटीरियर वगैरह का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है पूरा ब्लैक थीम पे पूरा इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है तो ये जो हमारा इंटीरियर है वो वॉशेबल इंटीरियर है तो आप इसको पानी वगैरह से वॉश भी कर सकते हो और यहाँ पे को ड्राइवर साइड अगर इंटीरियर देखें तो यहाँ पे एक आपको हैंडल बार मिलेगा पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा ग्रिप तो यहाँ पर नीचे बहुत ही छोटा सा ग्लो बॉक्स भी देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर डोर्स पर आप देखते हो तो आपको डोर्स पे यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आपको ये डोर निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो तो इसी वजह से यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन नहीं है तो आप पावर विंडो का ऑप्शन आप यहीं से सेंटर से ऑपरेट कर सकते तो यहाँ पे पीछे आपको फोर बाई फोर का बेंच देखने को मिलेगा तो ओवरऑल कार का क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप देख सकते हो कि जो प्लास्टिक है जो मटीरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है तो बहुत ही परफेक्ट है कहीं पर भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं किया है और साथ में यहाँ आगे आपको महिंद्रा थार थार का यहाँ पे आपको बेंचमार्क देखने को मिलेगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लिखा गया है और यहीं से डोर को ओपन करते हुए हम ड्राइवर साइड अंदर चलते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर्स पे अगर हम कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं देखने को मिलेगा तो ओनली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वाला साइड मिरर है उसका ही अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ये हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन वाला कार है तो यहाँ पे ब्रेक एक्सीटर और क्लच और यहाँ पे स्पीकर भी आपको देखने को मिलेगा ऊपर की साइड तो आप यहीं से बहुत सारे फ़ीचर्स का कंट्रोलिंग कर सकते हो जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है तो आप यहीं से कर सकते हो हील होल्ड असिस्ट मतलब कंट्रोलिंग आप यहीं से कर सकते हो और लाइटिंग्स वगैरह का भी यहाँ से कंट्रोलिंग कर सकते हो तो बहुत सारे स्विचेस वग़ैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं और साथ में यहाँ पे ऊपर आपको एक ए सी वेंट भी देखने को मिल रहा है तो ओवरऑल बहुत ही परफेक्ट इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे अगर मैं स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो जैसा आपको टी यू वी थ्री हंड्रेड में देखने को मिल रहा था उसी तरह से यहाँ पे थार में भी आपको वही स्टेरिंग व्हील देखने को मिलेगा सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिलेगा तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के कंट्रोलिंग्स की अगर हम बात करें तो आपको म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोलिंग आप यहीं से कर सकते हो साथ में फ़ोन पिकअप और ड्रॉप करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है राइट हैंड साइड के कंट्रोलिंग्स की अगर बात करूँ तो आप यहीं से अपना वॉइस कमांडिंग और बहुत सारा कंट्रोलिंग्स कर सकते हो तो यहाँ पे अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा तो राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा और बीच में आपको एक छोटा सा डिजिटल स्क्रीन जैसा देखने को मिलेगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा तो ये जो डिजिटल स्क्रीन है हमारा उसमें आप बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि मतलब हमारा कितना किलोमीटर ड्राइव हो चुका है दूसरा हमारा टायर प्रेशर मोनिटाइजेशन सिस्टम तीसरा हमारा गाड़ी का जो एंगल होता है मतलब कि जो कितने एंगल पे हमारा जो आगे का व्हील जो टिल्ट होता है वो भी आप यहीं से देख सकते हो साथ में पेट्रोल इंडिकेशन साइड लाइट नोटिफिकेशन एयरबैग ब्रेक का बहुत सारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप यहीं से देख सकते हो तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है तो यहाँ पे सेंटर डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो आपको इसमें सेवन इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा एप्पल एंड्रॉयड कनेक्टिविटी के साथ में है तो यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम के नीचे ही आपको दो ए सी वेंट देखने को मिलेंगे और ए सी वेंट के बीच में आपको थोड़ा कार्बन फाइबर जैसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा तो ए सी वेंट का क्वालिटी ओके ओके है उतना प्रीमियम नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एसी वेंट के नीचे ही आपको पूरा एसी कंट्रोलिंग पैनल देखने को मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पूरा एसी पैनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो एसी इसका बहुत ही पावरफुल यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है तो बहुत ही परफेक्ट है तो एसी कंट्रोलिंग पैनल के नीचे ही आपको बहुत सारे कंट्रोलिंग के स्विचेस दे रखे है और यहाँ पे उसके नीचे आपको यहाँ पे तीन चार्जिंग पोर्ट मिलने वाले एक हमारा नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट दूसरा हमारा फ्लैश चार्जिंग पोर्ट और तीसरा हमारा ट्वेल्व वोल्ट का नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट तो बहुत सारे आप अपने तीन चार फोन्स वगैरह यहाँ पे चार्जिंग पे लगा सकते हो तो ये जो हमारा दूसरा गेयर लीवर है तो उससे आप अपना टॉर्क और पावर को कंट्रोलिंग कर सकते हो जो हाई रेंज और लो रेंज में आपको जो कन्वर्ट करना होता है उससे आप कर सकते हो मतलब कि आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप कहीं पर हिल्स वगैरह पे आपको यहाँ पे जहाँ पे बहुत ही नुकीली चढ़ान होती है वहाँ पे इसका बहुत ही यूज़ होता है तो ये बहुत ही परफेक्ट है तो ये जो ये दूसरा लीवर है वो हमारा सिक्स स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स के लिए है तो ये बहुत ही परफेक्ट है गेयर लीवर्स वगैरह का डिज़ाइन और क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट है ग्लोसी फिनिशिंग ऊपर से पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे साथ में जो दोनों ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड के जो ग्लासेस है उसका कंट्रोलिंग आप यहीं से बीच में से कर सकते हो यहाँ पे आप दो बॉटल होल्डर और कप होल्डर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और साथ में यहाँ पे हैंड ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है ओवरऑल कार का क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है जो भी प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो बहुत ही हार्ड मटेरियल है क्योंकि इस कार का मेन पर्पस है कि ऑफ़ करने के लिए तो इसीलिए लिए यहाँ पर सॉफ़्ट मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है बहुत ही हार्ड मटेरियल है और बहुत ही प्रीमियम भी है तो इसको आप वॉश वगैरह भी कर सकते हो तो कैसा लगा आज का हमारा महिंद्रा थार वाला वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोलिए अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और साथ में वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे सब पहले मिले तो महिंद्रा थार तो अभी ये डेमो कार के लिए अवेलेबल थी तो उसको टेस्ट टेक्स्ट्राइव के लिए अवेलेबल नहीं थी तो महिंद्रा थार का टेस्ट टेक्सड्राइव रिव्यू भी जल्दी से आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और साथ में आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझको आप सबका सपोर्ट चाहिए तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को तो चलिए मिलते हैं आपको इसी तरह से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक है